हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक 60 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर किसान उतरे हैं सड़कों पर और साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा चालान काटो साहब, हमारे ट्रैक्टर को इंपाउंड कीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो आज करनाल में पहुंचे हैं। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको आप शेयर भी करें। और ये आप देख सकते हैं करीब 60 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो घोड़ता हुआ नजर आ रहा है किसानों की सड़कों पर और पहुंचा है जिला सचिवालय। जी हाँ, जिला सचिवालय पर ये जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर पहुँचा है। और ये आप ये देख सकते हैं ये करनाल जिला सचिवालय का मुख्य द्वार है और ठीक जिला सचिवालय के सामने जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप सभी को मालूम ही है कि जो पुराने वाहन है, नहीं पेट्रोल की बात करें, नहीं डीजल की बात करें, 10 साल पुराने 15 साल पुराने जो वाहन है उन्हें कहीं ना कहीं सड़कों पर अब तोड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा एक नियम जरूर सरकार द्वारा पारित हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं एक विरोध यहां पर जरूर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गेट किसका तरह है? ये गेट के लिए रोक हेलो हेलो माइक ले आ जाए हेलो। सभी किसान भाइयों से निवेदन है एक बार यहाँ खड़े हो जाए, चाय चाय आ रही गुरुद्वारा कार सेवा से चाय आ रही है, वो चाय भी लेंगे पानी भी लेंगे, यहाँ रुके और जो भी आगे का सभी भाइयों का फैसला होगा उसे उस तरीके से किया जाएगा। ये तो आज एक आंदोलन की नींव रखी गई है, आंदोलन की शुरुआत है, उसके बाद ट्रैक्टर को खतरे की कोठी में उतार देंगे जाके और बाद में आता है गाड़ी भी खाओगी सारे प्रदेश की। आज आंदोलन की शुरुआत है, जनता खिलाफ हो रही है, मेरा लाल डीजल स्टोर में भी ट्रैक्टर जाएगा, खतरे की कोठी में भी जाएगा, चंडीगढ़ भी जाएगा, हमारे पैसे जमा किसने रोकना अगर रोक लेगा। जनता को अंदर जाने से गेट बंद कर रखे, इन पे गेट है, अगर ये ऐसा समाज नहीं बना सकते, अगर ये इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते कि अपने सेक्रेटरी को नारे लगा दो, कोई बेशर्मों को डूबा मर जाना चाहिए। ये नार की उसी धरती पे खड़े हैं जनता जिस टाइम मर्जी आए और अपनी आकर के अपनी बात रखे होना चाहिए। जो 54 साल का ट्रैक्टर संधु साहब का जो जावेगा भी तरह जो डीसी को बता के लाओगा और जो ये फरमान है ना, जो ये नोवेल के तहत तो नई गाड़ियां बिकवाने के लिए नई जीपीएस वाली गाड़ियां जो टोटली कंट्रोल हो, जिसमें स्किल स्विच हो, इस तरह की गाड़ियों के लिए खेल रच रहा है। ये खेल जो है ना जनता समझ रही है कि तुम जो ये कर रहे हो, चाहे आप बीमारी हो, चाहे ये आपके तुगलक की फरमान हो, चाहे लॉकडाउन हो, दुकानदार बर्बाद करना, किसान बर्बाद करना, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करनी, उनकी नौकरी बर्बाद करनी, सरकारी डिपार्टमेंट बेचने, नया पानी का कानून, बीज का कानून, आपका खेती के कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, ये सारे के सारे देश को बर्बाद करने के लिए है, ये सारे के सारे आपके घरों को बर्बाद करने के लिए, आपके घरों से सोना चांदी लोहा
सारी धातु निकालनी है इन्होंने। एक बार वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई थी, उस लोहे से सारे देश का लोहा खींचा, दोबारा से अब कह रहे सोना भी बताओ, फिर कह रहे खेती भी हो, आपने जो मकान बना रखे उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी दो, आपको कल को सड़कों पर चलने का टैक्स लगेगा, घर से बाहर निकलने का टैक्स लगेगा, आग खोलने का, सांस लेने का, पानी पीने का, खाना खाने का, एक एक चीज का टैक्स अपने ही घर में किराएदार की तरह बना दिया इस लोगों ने। ये जो खेल है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही खेल है, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, ये खेल है इनका। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यही बताने के लिए किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। मजदूर भी है, ऑटो वाले भी हैं, कार डीलर भी हैं, आम जनता भी है, ये बता रहे हैं कि भाई तारी ये आदेश नहीं माने जाएंगे, आदेश देगी जनता, जनता है मालिक, जनता सरकार मोर्चा ने ऐलान कर दिया है और इस एक साल के अंदर ये हो गया कि भाई जनता मालिक है, जनता कहेगी जो वो सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार के आदेश नहीं मानेगी जनता। आने वाले टाइम में जनता सहयोग आंदोलन भी चालू कर सकती है, इनके कानूनों के खिलाफ भी कर सकती है, तो ये कहेंगे इससे उल्टा भी चल सकती है, ये ध्यान रखना, पुलिस को भी कॉम्प्लाई करने से मना कर सकती है, जनता ये भी कर सकती है कि वो तुमको कागज नहीं दिखाएगी, जनता ये करेगी कि तुम्हारे आदेश नहीं माने जाएंगे, तुम लगी तो इसलिए सरकार जेल जाए और ये उन गुलामों की उस बिल गेट्स रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की गुलामी करना बंद कर दे और ट्रीटी जो आने वाले टाइम में WHO के अंदर साइन करने वाली है उसकी खिलाफत करेगी। यूक्रेन वाले बच्चों को वापस बुलाओ, वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है और इधर हमारे बच्चे वहाँ कितने दुख में, कितने दर्द में है, उनको शर्म नहीं आती है क्या कि अपने देश के बच्चे वहाँ परेशानी में, यहाँ भाषण पे लग रहा है वो प्रधानमंत्री बन गए, वो बनाया था देश का प्रधानमंत्री बन गया वो भाजपा का ही प्रचार मंत्री, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जो इस देश के लोगों को देश को बर्बाद करने में लगे हुआ है। उसके बाद ज्ञापन दो से चलेंगे अमृतसर, चाय का लंगर गुरुद्वारा कारसेवा से पहुंच रहा है, लेने के बिना किसी ने नहीं जाना, और ट्रक यूनियन के प्रधान से डीलर यूनियन के प्रधान से निवेदन है वो आगे आए और आकर यहाँ जो ज्ञापन देना वो देना है, ट्रक यूनियन से डीलर यूनियन से प्रधान आगे आए, ज्ञापन है भाई ताज।